कलयुग में यहां पर निवास करते हैं हनुमान जी। त्रेता युग में हनुमान जी और जांबवंत जी को भगवान श्री राम ने चिरंजीवी रहने का वरदान दिया था, और इस वरदान को देते हुए श्री राम ने यह भी कहा था कि मैं द्वापर युग में तुमसे भेंट करूंगा। उनकी कही गई बात वास्तव में सच भी हुई जब प्रभु श्री राम श्री कृष्ण के अवतार में उनसे मिले। जब वे चिरंजीवी हैं तो वे आखिर रहते कहां हैं? क्या आप इस बात को जानते हैं? क्या आपको मालूम है कि हनुमान जी इस कलयुग में कहां निवास करते हैं? अगर ये जानने की आप में उत्सुकता है तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे चैनल हनुमान दर्शन से जुड़े अपडेट समय पर मिलते रहें। कहते हैं कि हनुमान जी को एक कल्प तक इस धरती पर रहने का वरदान मिला है। एक कल्प यानी कलिकाल के अंत होने के बाद भी हनुमान जी भूलोक में ही रहेंगे। कलयुग में जहां जहां भगवान श्री राम की कथा कीर्तन होता है वहां हनुमान जी अदृश्य रूप से सदैव ही विराजमान रहते हैं। अब चूंकि हनुमान जी सशरीर इस भूलोक में विराजमान है तो वो कहां है? तो इसके बारे में बताया जाता है कि हनुमान जी कलयुग में गांधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। ऐसा वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में किया गया है। गांधमादन में ऋषि सिद्ध चारण विद्याधर देवता गंधर्व अप्सराएं और किन्नर का निवास है। वह सब यहां निर्भीक विचरण करते हैं। यह गंधमादन पर्वत हिमाचल के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है। पुराणों के मुताबिक जम्बो द्वीप के इलावृत्त खंड और भारदा आशव खंड के बीच में गंधमादन पर्वत का स्थान है जो अपने सुगंधित वनों के लिए मशहूर हुआ करता था। आज ये इलाका तिब्बत में आता है। यहां तक पहुंचने के तीन रास्ते हैं। पहला नेपाल के जरिए मानसरोवर से आगे, और दूसरा भूटान की पहाड़ियों से आगे, और तीसरा मार्ग अरुणाचल प्रदेश के रास्ते चीन होते हुए जाता है। कहते हैं कि हनुमान जी यहीं रहकर अपने आराध्य प्रभु श्री राम की भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये रोचक जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी ही दिलचस्प धार्मिक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल हनुमान दर्शन के साथ। जय बजरंगबली।